हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वंस अगेन दिस इज़ प्रोफेसर दानी खंडेलवाल। आप लोगों ने नेक्स्ट रिक्वेस्ट मुझे किया था कि एलपीपी चाहिए, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13। हम लोग स्टार्ट करेंगे एलपीपी, और इसके लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मेरा सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी होना चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो मुझे 9820030925 पे आप मैसेज करिए, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ। तो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 13 एंड दिस इज योर एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ आपके डाउट्स जो मुझे आए थे ये भी मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। एक तो आप लोगों ने ये पूछा था कि सर ये कब तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको बताया कि मंडे टू फ्राइडे आई एम वर्किंग, सो आई एम वेरी बिजी, राइट। आई डोंट हैव एनी टाइम ऑन मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में मैं ट्राई करता हूँ कि आपका जो जितना भी पोर्शन मेरे से हो सकता है मैं ट्राई करूँगा। और मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप यू कांट वेट, यू नो दैट, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलने वाला है सेशन अपना, अगर आपको लगता है कि नहीं यू कांट वेट, तो देन हमारे पास एक ना ओल्ड रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। नाउ ओल्ड रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो ये ओल्ड रिकॉर्डिंग और न्यू रिकॉर्डिंग में इतना कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। कॉस्टिंग में कोई अमेंडमेंट जैसा कुछ नहीं होता है करके ना, ओके। तो वो जो ओल्ड रिकॉर्डिंग है उसकी अगर आपको लगते हैं, तो अब मैं आपको क्वेश्चन बुक आपको दे देता हूँ, आपको सॉल्यूशन बुक दे देता हूँ। जैसे अपन ने डीकेसी प्लस करके प्रोडक्ट बनाया ना, तो मैं आपको क्वेश्चन बुक आपको दे सकता हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन बुक, और इसका सॉल्यूशन बुक आपको दे दूंगा। सॉल्यूशन बुक उसका भी मैंने लिंक बनाया हुआ है, प्लस मैं आपको आईसीआई का जो मॉड्यूल है ओल्ड वाला, उसके बाद एक और उन्होंने रिवाइज किया, लेकिन ज़्यादा इतना ज़्यादा चेंजेज नहीं है, ये तीनों का सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे देता हूँ। तीनों का सॉफ्ट कॉपी आपको फ्री में मिल जाएगा, क्वेश्चन बुक, सॉल्यूशन बुक और आईसीआई का ओल्ड मॉड्यूल, राइट। उसके बाद एक बार और आईसीआई ने रिवाइज किया, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नोट? और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो टू व्यूज प्लस टू मंथ्स, ये आपको मिल जाएगा 1999 में। ओनली कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम लोग आपको दे रहे हैं। टू व्यूज दो आपको देखने को मिलेगा, टू मंथ्स का उसका ड्यूरेशन रहेगा, ओके, और 1999 में आपको मिल जाएगा। इसके लिए यू कैन कॉन्टेक्ट 9920443&22, ओके। उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी क्वेश्चन बुक का मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी सॉल्यूशन बुक को मिल जाएगा, और आईसीआई का जो मॉड्यूल है इन डीकेसी फॉर्मेट वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। टू व्यूज टू मंथ्स, और उसका जो प्राइस रहेगा वो 1999 है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं, तो भाई मैं आई कांट कमिट कि कब तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एज फार एज द थ्योरी पार्ट इज कंसर्न, या केस स्टडीज, या जो केस सिनेरियो के क्वेश्चन है, वो यूट्यूब से आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर्स ने बहुत अच्छे से वो डाले हुए, ओके। लेकिन जैसे जैसे जो जो अपडेट्स आपके होते रहेंगे मैं आपको बता दूंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वीक जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी उनको मैं जमा करके आपको आंसर कर दूंगी। आर यू फॉलोइंग मी फ्रेंड्स? ओके, तो अगर आपको जल्दी है तो आप मेरा एक फुल कोर्स का 74 आवर्स का मेरा रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग आपको टू मंथ्स टू व्यूज 1999 में मिल जाएगा, और उसके लिए यू कैन कॉन्टेक्ट 9920443&22 इन कॉपर गेट। ये कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आपको मिल जाएगा, राइट। टू व्यूज टू मंथ्स 1999, इसमें आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी क्वेश्चन बुक की, एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी सॉल्यूशन बुक की, और एक आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसकी भी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं वीडियो खरीदने तो यू डोंट पे एनीथिंग, आप मेरे से मांग लीजिए क्वेश्चन बुक, सॉल्यूशन बुक और आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसकी सॉफ्ट कॉपी, ओके। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं 9820030925, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग एलपीपी। दिस इज फ्रेंड्स योर एलपीपी, इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स वी कैन डिवाइड इन टू। एक आपका क्या रहेगा, एक को हम लोग बोलते हैं फॉर्मुलेशन, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉर्मुलेशन, एंड दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं
सॉल्यूशन। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉर्मुलेशन और एक को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। फॉर्मुलेशन इट मींस अगेन मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके। एंड सॉल्यूशन है आपका एक ग्राफिकल और दूसरा है सिंप्लेक्स, ओके। ग्राफिकल इज मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, सिंप्लेक्स मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। आर यू फॉलोइंग ऑन ऑर्डर? ये आपका क्या हो जाएगा एलपीपी डिवाइड इन टू फॉर्मुलेशन एंड सॉल्यूशन। फॉर्मुलेशन इन मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, ग्राफिकल इज मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, सिंप्लेक्स मिनिमम कॉस्ट है। मैं आपको सब कुछ कवर करके दे देता हूँ। सिंप्लेक्स में अगर आपको ज्यादा नहीं करना है तो एटलीस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिए, राइट। क्योंकि एग्जाम में अगर ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आएगा, ओके। नाउ व्हाट डू मीन बाय फॉर्मुलेशन, ओके। तो मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी बना के दिया है, पेज नंबर 13.1 पे मैंने आपको डिफाइन किया है। इफ यू पुट ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन इन टू इक्वेशन इज नोन एज फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब ये है, इंजीनियर्स बोलते हैं वी डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, राइट। हमें आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो आप क्या करिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है यू जस्ट ट्राई टू पुट, वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द इक्वेशन फॉर्म। आप हमें इक्वेशन बना के दीजिए। वो इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैंने 13.1 पे आपको बताया है, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। तो कैसे स्टेप्स है? स्टेप नंबर 1, टेबुलर फॉर्म, कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उनको टेबल बना के टेबुलर फॉर्म में आप उनको डाल दीजिए। स्टेप नंबर 2 आपका क्या होता है, इज ए फॉर्मुलेशन। क्या क्या स्टेप्स रहेंगे फ्रेंड्स? स्टेप नंबर वन आपका क्या रहेगा, टेबुलर फॉर्म, और स्टेप नंबर 2 आपका क्या रहेगा, फॉर्मुलेशन, ओके। अब देखो स्टेप नंबर 1, जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं दिस इज योर स्टेप नंबर 1, इसको हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, आपके पास सपोज प्रोडक्ट्स हैं ए एंड बी एंड आपके पास दो मशीन है M1 एंड M2, ओके। ये आपको गिवन है इजे प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट होता है 4 रुपीज ऑन ए 2 रुपीज ऑन बी। अगर आप M1 में यूज करते हैं ए प्रोडक्ट, आपको लगते हैं से 4 आवर्स और आपको लगते हैं से 2 आवर्स, यहाँ पे आपको लगते हैं से 2 आवर्स, यहाँ पे आपको लगते हैं 4 आवर्स एंड मैक्सिमम आवर्स आपको अवेलेबल हैं 24 एंड 24। सही है सर। इट मीन्स आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ए एंड बी, देर आर 2 मशीन M1 M2, ओके। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए देन 4 आवर्स इन M1 2 आवर्स इन M2, बी में 2 आवर्स इन M1 एंड 4 आवर्स इन M2, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 4 एंड 2 एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर मशीन M1 इज 24 आवर्स एंड M2 इज 24 आवर्स। सही है सुना फ्रेंड्स। अब आपको बोलेगा कि इसको आप फॉर्मुलेट करिए, राइट। जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये हम लोगों ने फाइनेंशियल डाटा डाल दिया। इंजीनियर बोलता नहीं मुझे ये डाटा समझ में नहीं आते हैं, आप मुझे इक्वेशन बना के दीजिए, ओके। तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे फ्रेंड? सबसे पहले यू एज्यूम कि दिस इज इक्वल टू X1 एंड दिस इज इक्वल टू X2, ओके। ए इक्वल टू योर X1, बी इक्वल टू योर X2, M1 M2 और आपको प्रॉफिट दे रखा है। इट मीन्स आपका कैसे इक्वेशन बनेगा, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4 ऑन X1 प्लस 2 ऑन X2, 4 ऑन X1 2 ऑन X2 सब्जेक्ट टू 4X1 प्लस 2X2 इज लेस देन इक्वल टू 24, 4X1
प्लस 2x2, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकते हैं 24, 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24 एंड x1 एंड x2 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपका क्या था स्टेप नंबर 1, दिस इज योर टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में प्रोडक्ट्स ए प्रोडक्ट बी, ओके, दो मशीन है m1 एंड m2। अगर अपन ए प्रोडक्ट m1 में बनाते हैं 4 आवर्स लगते हैं, ए प्रोडक्ट अगर m2 में बनाते हैं 2 आवर्स लगते हैं, बी में m1 में बनाते हैं 2 आवर्स लगते हैं, बी को m2 में बनाते हैं 4 आवर्स मैक्सिमम आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स हम लोग यूज कर सकते हैं 24 है 24। एक पर प्रॉफिट आपको ए पर है 4 रुपीज़, बी पर है 2 रुपीज़, क्या हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4 ऑन x1 प्लस 2 ऑन x2 सब्जेक्ट टू 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 24, 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलेंगे सोर्स, ये हमारा क्या हो गया सोर्स, या इसको रिसोर्स भी बोल सकते हैं, सोर्स और रिसोर्स दोनों बोल सकते हैं। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स, इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स, ओके। ये हमारे क्या हो गए मशीन, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनको बोलेंगे बेसिक वेरिएबल, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं ए एंड बी, ये हमारे क्या हो जाएंगे बेसिक वेरिएबल। मीन्स एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 4 आवर्स, ये, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। बेसिक वेरिएबल्स जितने भी रहेंगे वो कभी भी आपके नेगेटिव नहीं होंगे, बेसिक वेरिएबल जितने भी रहेंगे वो कभी भी आपके नेगेटिव नहीं होंगे, बराबर है। इसके लिए हम क्या अज्यूम करते हैं x1 x2 इज मोर देन और इक्वल टू 0। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए सोर्स हो गए, ये हमारा क्या हो गया ये सोर्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4 एंड 2, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये हमारे क्या हो गए प्रोडक्ट्स हो गए, ये बेसिक वेरिएबल, दैट्स इट। इसको हम बोलेंगे फॉर्मुलेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू मीन बाय दिस, हमको तो ये पता करना है कि हमें ए कितना बनाना चाहिए और हमें बी कितना बनाना चाहिए। अगर आप नया वाला मॉड्यूल देखेंगे, जो मेरा वाला मॉड्यूल मैंने आपको दिया है ओल्ड वाला, उसमें एक क्वेश्चन आपको LPP का दे रखा है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट एकदम जो मॉड्यूल देखेंगे वो आपको 2 दे रखे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। नए और पुराने मॉड्यूल में इतना ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर है। तो अगर आपको जल्दी है, आपको पोर्शन जल्दी करना है, तो आप मेरा जो 1999 वाला जो है वो 2 महीने का लेके फटाफट ख़त्म कर दो, तो एटलीस्ट आपका टेंशन 2 महीने में आपका कॉस्टिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हो जाएगा। थ्योरी के लिए यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसरों ने केस स्टडीज में अपनी जान लगाई हुई है, केस अनर, उसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और वो आप वहाँ से कर लीजिए, मेरा गारंटी आपका हो जाए। अगर आपको व्यूज बढ़वाने, अगर आपको लगता है कि हमको व्यूज और ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, एंड फॉर दैट के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट कॉपरगेट, वो एक आपको आइडिया दे देंगे। उन्होंने एक ऐसा भी बनाया कि 1 ईयर 5 व्यूज और उसका कुछ प्राइसेज उन्होंने डिसाइड किया है, उसके लिए जस्ट कॉल 9920443222 इन कॉपरगेट। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन, इसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन। ये हमारे 2 प्रोडक्ट है। अब आप आ जाइए फ्रेंड, ओके, जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 13.1, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 13.1। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 13.1 आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे पॉइंट्स अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने सब आपको प्रिंटेड फॉर्म में सॉल्व करके दिया हुआ है,
अब आप देखिए फ्रेंड्स, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, हैज हिज मशीन इन ऑपरेशन 24 आवर्स इन ए डे। प्रोडक्शन ए रिक्वायर्स 2 आवर्स इन प्रोसेसिंग इन मशीन M1 एंड 6 इन M2। प्रोडक्शन ऑफ बी रिक्वायर 6 आवर्स प्रोसेसिंग इन मशीन M1 एंड 2 आवर्स इन M2। द मैन्युफैक्चरर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज ऑन ईच ए एंड 2 रुपीज ईच ऑन बी। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आप पूरा ध्यान से आ जाइए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन दे रखा है 13.1 पे और सॉल्यूशन आपको इसका दे रखा है 13.2 पे। आपको सॉल्यूशन आपको दे रखा है 13.2 के ऊपर, सही है सुनो फ्रेंड्स। ओके, आपका सॉल्यूशन आपको दे रखा है 13.2 पे। ओके, मैंने आपको क्या बताया, स्टेप नंबर वन सबसे पहले आपको क्या करना है, टू टेक टेबुलर फॉर्म। वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म। ओके, ये आपके प्रोडक्ट्स। ओके, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड हैज हिज मशीन इन ऑपरेशन 24 आवर्स इन ए डे। इट मीन्स M1 M2, दिस इज योर मैक्सिमम आवर्स 24 एंड 24। मैक्सिमम आवर्स 24 एंड 24। प्रोडक्शन ऑफ ए रिक्वायर्स 2 आवर्स इन मशीन M1, 2 आवर्स इन M1 एंड 6 आवर्स इन M2, 6 आवर्स इन M2। प्रोडक्शन बी रिक्वायर्स 6 आवर्स इन M1, 6 आवर्स इन M1 एंड 2 आवर्स इन M2। द मैन्युफैक्चरर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 5 ऑन ए 2 ऑन बी। This is your profit 5 and 2. It means your formulation, equation कैसे बनेगा, maximize z equal to 5x1 plus 2x2. 5 on this you assume x1, this you assume x2. 5 on x1, 5 on x1, 2 on x2. Subject to that, it means 2x1 plus 6x2 lesser equal to 24 and 6x1 and 2x2 lesser equal to 24, x1 x2 are greater than equal to 0. सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आप जरा प्रॉपरली देख लीजिए, सही है सुनो। सॉल्यूशन टेबुलर फॉर्म, देयर आर टू प्रोडक्ट्स। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स अपने को बोलो, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड हैज हिज मशीन इन ऑपरेशन 24 आवर्स इन ए डे, 24 आवर्स इन ए डे। प्रोडक्शन ए रिक्वायर्स 2 आवर्स इन M1, M1 में 2 आवर्स एंड 6 आवर्स इन M2, M2 में 6 आवर्स। प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्स 6 आवर्स इन M1, 6 आवर्स इन M1 एंड 2 आवर्स इन M2, 2 आवर्स इन M2। A manufacturer earns a profit of 5 rupees on M1 A or 2 rupees on B. कैसे इसको करेंगे? It means 5 किसके ऊपर हो रहा है? X1 के ऊपर। 2 किसके ऊपर हो रहा है? X2 के ऊपर। Maximize Z equal to 5X1 plus 2X2 subject to 2X1 plus 6X2 less than equal to 24, 6X1 plus 2x2 less than equal to 24 and x1 x2 greater than equal to 0। आप जरा देख लीजिए, सॉल्यूशन आपको दे रखा है पेज नंबर 13.2 पर, 13.2 पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए जरा टेबुलर फॉर्म, ओके, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 plus 2x2 सब्जेक्ट टू 2x1 plus 6x2 less than equal to 24,
6x1 plus 2x2 less than equal to 24, x1, x2 is greater than equal to 0. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम बोलते हैं, पहले जब एकदम ओल्ड सिलेबस में था तो खाली एग्जाम में आपसे फॉर्मुलेशन पूछता था, क्या पूछता था, फॉर्मुलेशन, मीन्स ये इक्वेशन बनाने के ही आपको मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब आपको डिसीजन मेकिंग टॉपिक में, कोई भी डिसीजन मेकिंग ही तो है ये क्वेश्चन, ये आपका डिसीजन मेकिंग चैप्टर ही तो है ये। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि अब जो सिलेबस आने वाला है इंस्टीट्यूट का, पता नहीं क्यों उन्होंने कॉस्टिंग को बाहर कर दिया अपने मेन करिकुलम से, राइट? क्योंकि एक ही तो ऐसा सब्जेक्ट था जो एकदम हाईली लॉजिकल सब्जेक्ट है। आज हमारी जितनी भी प्रैक्टिस है, मंडे टू फ्राइडे हम जो भी कमाई करते हैं बिकॉज ऑफ दिस। मैं तो आपको बोलता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया है, नए बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने सिलेबस से निकाल भी दिया फिर भी आप जो CA फाइनल का जो SCMPE है, अगर आपको कॉस्टिंग में अपना करियर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको काम करना है, सर्विस सेक्टर में, तो आप प्लीज वो चैप्टर्स, वो मतलब जो कॉस्टिंग के जो कंसेप्ट है वो जरूर सीख के जाइए। अब एग्जाम में तो नहीं है, तो हर चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है, हर चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है, एग्जाम में नहीं है इसके लिए नहीं सीखना, ऐसा नहीं है करके ना। लेकिन अगर आपको कॉस्टिंग में अपना करियर बनाना या आगे आपको अच्छी नॉलेज लेनी है कॉस्टिंग की, तो यू प्लीज आप उनको बहुत अच्छे से समझिए, आपका काम हो जाए। तो ये डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस हैं कि भाई अपने पास इसके अंदर क्या है कि कंपनी के पास दो मशीनें M1 M2 कंपनी की रिसोर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है 24, ये दो प्रोडक्ट कंपनी बना सकती है ए एंड बी। ए बनाएगा तो 5 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट, बी बनाएगा तो 2, एंड ए को बनाने में 2 आवर्स और M1 6 आवर्स और M2 6 आवर्स और M1 2 आवर्स और M2, राइट? मैक्सिमम आवर्स हमारे पास क्या अवेलेबल है, इज ए 24 एंड 24। तो हाउ टू प्रोड्यूस दिस टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, हाउ टू प्रोड्यूस दिस टू गेट द मैक्सिमम, यही तो डिसीजन मेकिंग है। आपको मेक और बाई का डिसीजन होता था, आपको लिमिटिंग फैक्टर, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग कैसे हटा सकता है ICI, क्या गलत डिसीजन ये लोग ले रहे हैं, आप मुझे बताइए। आपको समझना पड़ेगा क्या गलत डिसीजन ये लोग ले रहे हैं, बस लेना है क्या गलत डिसीजन। कॉस्टिंग के बिना जब से ये दुनिया स्टार्ट हुई है, जब तक ये दुनिया चलेगी कॉस्टिंग रहेगा। आज की डेट में वही पर्सन सर्वाइव कर सकता है जिसका चीपेस्ट कॉस्ट है एंड बेस्ट प्रोडक्ट है। आज की डेट में वही पर्सन सर्वाइव कर सकता है जिसका चीपेस्ट कॉस्ट है एंड बेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट आर दे डूइंग, मतलब समझ के बाहर है। ओके, दोनों ग्रुप के बाद इन लोगों ने आर्टिकल शिफ्ट कर दिया, क्या समझ में नहीं आ रहा। बात कितना आर्टिकल का शॉर्टेज आ जाएगा मार्केट के अंदर, आप जरा देखिए। फिर 50% मार्क्स फाउंडेशन में कर दिए इस सब्जेक्ट में, कैसे बच्चा पास हुआ, किसी का प्रैक्टिकल अच्छा होता था, किसी का थ्योरी अच्छा होता था, वो एग्रीगेट बनाता था, लेकिन अभी बोलते नहीं इंडिविजुअल में, वो भी विद नेगेटिव मार्क्स। तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह के डिसीजन ये लोग ले रहे हैं। भाई क्या कर सकते, जो सिस्टम है वो आपको फॉलो करना है, दुकान से एनीथिंग करके, वो आपने चुन के, हम लोगों ने चुन के उनको भेजा है। ये तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आउटडेटेड कोर्स होगा, जब पता चलेगा मार्केट में, जब वैल्यू खत्म होगी तब पता चलेगा। तो CA ज्वाइन नहीं करेंगे, इंडस्ट्री वाले नहीं लेंगे। आप मुझे बताइए कितने सारे लोग, आज मैंने CA करके अपना करियर कॉस्टिंग में बनाया, रानी की कॉस्टिंग के नाम से रजिस्टर्ड कराया। मुझे इतना ये लगता था जब मैं पढ़ता था, तो मैं देखता था यार ये सब जो फॉरिनर लोग रहते हैं उनके नाम पे डेफिनेशन रहता है, प्रोफेसर एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, राइट, ब्लैक एंड सोल्स, प्रोफेसर एडम स्मिथ। लेकिन कभी भी मैंने सोनू जैन के नाम पे कोई डेफिनेशन नहीं देखी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे कोई डेफिनेशन FM में नहीं देखी, ऐसा क्यों? तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि यार इन लोग के नाम पे तो डेफिनेशन है, मैं बड़ा हो के ना अपने नाम पे पूरा सब्जेक्ट कराऊंगा, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इसका ट्रेडमार्क भी मिल गया, आपको मेरे लोगो में भी दिख रहा है करके, DKC दानी की कॉस्टिंग R देख रहे हैं, R मतलब इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर TM लिखा होता है इसका मतलब आपने अप्लाई किया है, R होता मीन्स यू गॉट द रजिस्टर्ड, मीन्स DKC आप कोई यूज नहीं कर सकता अदर देन दानी, राइट? ओके, तो ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट क्यों इन्होंने ऐसा कर दिया मेरे को समझ में नहीं। अब इसका अपने को क्या करना है कि चलो ठीक है, पहले एग्जाम में आता था कि इतना ही पूछता था अपने को कि फॉर्मुलेट, लेकिन अब जो क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दे रखे हैं, ओल्ड वाले में एक दे रखा है और दो क्वेश्चन
एक और उन्होंने ऐड किया है, पास एग्जाम का एक क्वेश्चन है करके वो उन्होंने ऐड किया है। दो ग्राफ के क्वेश्चन आपको नए वाले मॉड्यूल में दे रखे हैं, तो अगर आपको वेट करना है तो आप वेट करिए, नया मॉड्यूल आने वाला है, डीकेसी फॉर्मेट में उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, अदरवाइज आप पुराने वाले से भी काम चला सकते हैं, आप मुझे लिखिए, माई नंबर इज 98200, मैंने आपको बताया 3095, आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा। अब आप आ जाइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2x1 + 6x2 इज लेस देन इक्वल टू 24, 6x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 24। देखिए पहला आपको दे रखा है फ्रेंड्स, अब इसका अपन करेंगे सॉल्यूशन। पहला आपको दे रखा है 2x1 + 6x2, इसको कर दीजिए इक्वल टू 24। 2x1 + 6x2 24, और दूसरा आपका, ये फर्स्ट आपका इक्वेशन था, दूसरा आपका इक्वेशन है 6x1 + 2x2 इक्वल टू 24। हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, राइट। अब यू एज्यूम x1 = 0, तो x2 = क्या हो जाएगा 4, एज्यूम x2 = 0 एंड x1 = क्या हो जाएगा 12, x1 = 0, x2 = क्या हो जाएगा 12 एंड x2 = 0, x1 = क्या हो जाएगा 4। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो। पहला आपका इक्वेशन है 2x1 + 6x2, इसको इक्वल कर दिया सॉल्व करने के, ग्राफ बनाने के लिए 6x1 + 2x2, देख x1 = 0, x2 = 4, x1 = 0, x2 = 4, x2 = 0, x1 = 12, x1 = 0, x2 = 12, x2 = 0, x1 = 4। ये आपको दे रखा, इनको अपन ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। आपको एग्जाम हॉल में ग्राफ मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा तो भी आपको कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। इट मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 and 12। ओके, ये आपका हो गया, सही है सर। अगर आप ग्राफ पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा वैल्यू। अगर आप ग्राफ पे करेंगे, मैंने ग्राफ भी दे रखा आपको, ग्राफ मैंने दे रखा पेज नंबर 13.1 पे, आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है। 13.1 पेज अगर आप रेफर करेंगे सॉल्यूशन बुक का, तो वहाँ पे ग्राफ दे रखा है। ग्राफ के बेसिस पे मैंने आपको बताया, दो क्वेश्चन नए वाले मॉड्यूल में, एक क्वेश्चन पुराने वाले मॉड्यूल में, ठीक है। अब आप देखिए, x1 का वैल्यू है 0, ये आपका x1 और ये आपका हो जाएगा x2, x1 = 0, x2 = 4, तो x2 आपका 4। ओके, x2 = 0, x1 = 12, तो आपका एक इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ये इट मीन्स ये इक्वेशन आपका हो गया 2x1 + 6x2 = 24। दूसरा x1 = 0, x2 = 12, x2 = 12, और x2 = 0, x1 = 4, ये आपका ये हो गया। और इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं, अगर ये मैक्सिमाइजेशन का समय, तो इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिबल। तो ये आपका हमारा हो गया 6x1 + 2x2 = 24। देखिए वापस से मैं आपको बताता हूँ, ये आपने ग्राफ बनाया बराबर, ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आपने लिखा x1 = 0, x2 = 4, x2 = 4, x1 = 0, और x2 = 0, x1 = 12, x1 = 12, तो पहला आपका ये है चला गया। दूसरा x1 = 0, x2 = 12, ओके, x1 = 0 और x2 = 12, और x2 = 0, x1 = 4, तो दूसरा आपका ये हो गया, ये आपका। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब आपके पास कौन कौन से पॉइंट हो गए, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर
डी, इट मीन्स 0 0, दिस इज 4 0, ये आपका आएगा एग्जैक्टली 3 3 पर, 3 3, एंड दिस इज 0 and 4, सही है सुनो प्रॉपर और नॉट। ओके, ये आपके दोनों इक्वेशन की वैल्यूज आपके यहाँ पे आ गई, इक्वेशन की वैल्यूज आपके यहाँ पे आ गई, सही आंसर ना। अब आप आ जाइए, ऑल राइट फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए ए बी सी डी एक्स वन एक्स टू एंड टोटल, सही है सर। अब एक्स वन में आप देखिए 0 0, ये आपका आ जाएगा 4 0, ये आपका जाएगा 3 and 3, और ये आपका जाएगा 0 and 4, सही है सुनो फ्रेंड्स। तो आपका ए का पॉइंट का वैल्यू आ गया एक्स, ए के पॉइंट का वैल्यू आपका आ गया फ्रेंड्स, ए के पॉइंट का वैल्यू आ गया 0 x1 0 x2, ठीक है, ए के पॉइंट का वैल्यू आ गया 0 x1 0 x2, एंड बी पॉइंट का वैल्यू आपका आ गया 4 and 0 4 and 0, सी का आ गया 3 and 3, सी का आ गया 3 and 3, एंड डी का आ गया 0 and 4 0 and 4, ओके मल्टीप्लाई बाय, नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट, योर प्रॉफिट इज 5 rupees and 2 rupees, एक्स पे आपका प्रॉफिट कितना है 5 rupees and 2 rupees, it means your profit is 5 rupees on x1 and 2 rupees on x2, ये प्लस कर दिया, it means 0 into 5, ये आपका प्लस कर, ये आपका क्या आ जाएगा 0, ये आपका क्या आ जाएगा 20, ये आपका क्या आ जाएगा 15 plus 6 21, एंड दिस इज योर 8 rupees, सही है सुनो। इसका मतलब आपने क्या क्या लिया, ए पॉइंट पे ए में एक्स वन का वैल्यू 0 है, एक्स टू का वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट 5 and 2, बी में आपका 4 and 0 है, बी में आपका 4 and 0 है, सी में आपका 3 and 3 है, सी में आपका 3 and 3 है, एंड डी में आपका 0 and 4 है, 0 and 4 है। इसका मतलब आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे होगा, ऑन 21। इसका मतलब यू शुड प्रोड्यूस मींस फाइनल आंसर, इसका मतलब अगर कंपनी, दिस इज योर फाइनल आंसर, कंपनी अगर प्रोड्यूस करती है कौन कौन से प्रोडक्ट, इट मींस प्रोडक्ट x1 एंड x2, इट मींस ए एंड बी, 3 unit of A 3 unit of B, तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा, एक यूनिट पर कितना 5 rupees प्रॉफिट है, एक यूनिट पर कितना है 2 rupees प्रॉफिट है, इट मींस 15 plus 6 आपका प्रॉफिट होगा 21, आपको टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 21, सही है सुनो। अच्छा, इसको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर को, ऐसी बात नहीं है, आंसर को हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो आंसर प्रॉपर है या नहीं है, मीन्स वी कैन वेरीफाई द आंसर ऑल्सो, बराबर, उसको आंसर को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके, कैसे करेंगे, इट मीन्स ऑल्टरनेटिव वे, दिस इज योर ऑल्टरनेटिव, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहा था 3 unit of x1 3 unit of
एक्स टू। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स आपका इक्वेशन था 2x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 24 एंड 2x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 24 है 6x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 24। आपको क्या दे रखा है, 2x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 24 एंड 6x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 24। सही है, सुनो फ्रेंड्स, दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 6x1 प्लस 6x1 प्लस 18x2 इक्वल टू 72। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 3। सही है, सुनो नाउ सेकंड में से आपका 3 को माइनस किया, 6 1 कैंसिल, इट मीन 16x2 इक्वल टू 48 एंड x2 इक्वल टू 3। कैसे करेंगे, 16x2 इक्वल टू 48 एंड x2 इक्वल टू 3, इट मीन्स अगर x2 3 है तो x2 का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं तो 2x1 प्लस 18 इक्वल टू 24, तो 2x1 इक्वल टू 6 एंड x1 इक्वल टू 3। इट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या है, x2 इक्वल टू 3 एंड x1 इक्वल टू 3। तो इफ यू प्रोड्यूस x1 x2 3 यूनिट्स यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। वही आपका आंसर यहां पे आ रहा है, x1 3 x2 3 प्रॉफिट 5 एंड द टोटल प्रॉफिट विल बी 24। सही है सुनो फ्रेंड्स, अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम आएगा कि सब कुछ अगर आपके पास तीन प्रोडक्ट होते x1 x2 एंड x3 देन यू कांट प्लॉट इन द ग्राफ, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, सिंप्लेक्स। तो यही डिसीजन मेकिंग में आ सकता है प्रॉब्लम, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंप्लेक्स का भी एक मेथड तो एटलीस्ट करा देता हूँ करके, तो अगर एग्जाम में आया तो ओनली DKC स्टूडेंट कर पाएगा। सही है सुनो, अगर एग्जाम में आया तो एक सम मेरे कहने से आप वो भी जरूर करके जाइए एग्जाम के अंदर, तो आपका काम प्रॉपरली हो जाएगा, आप वो भी जरूर से करके जाइए। ओके परफेक्ट, तो पहला आपका क्या था बोलो, व्हाट आर द स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, पहला आपका जो भी है इंफॉर्मेशन यू ट्राई टू पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म। उसके बाद आपको क्या बनाना है, फॉर्मुलेशन। व्हाट डू मीन बाई फॉर्मुलेशन, मीन्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इनटू द इक्वेशन फॉर्म इज नोन फॉर्मुलेशन। ये आपका फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद ये फाइनल आंसर अपन निकाल देंगे, और इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई द आंसर ऑल्सो कि आपका जो आंसर है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा। अब देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं अपन, जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 13.4 और कंटिन्यू है 13.5 पर। ओके, ए लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट्स, A limited makes two products, table and chair, which must be processed through assembly and finishing. Assembly has 60 hours available per week. Finishing can handle up to 48 hours a week. Manufacture one table requires 4 hours of assembly, 2 hours of finishing. Each chair requires 2 hours of assembly, 4 hours of finishing. Profit is 80 rupees per table and 60 rupees per chair. Choose the best combination of chair and table to produce the maximum profit. Formulate the linear programming model equation. Present graphically what is the maximum profit. मैंने आपको क्या बताया कि whatever information you have, you just try to put into the tabular form. It means your step number 1. This is your
टेबुलर फॉर्म। दिस इज टी टेबल चेयर। ओके, ए लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट्स टेबल एंड चेयर विच मस्ट बी प्रोसेस थ्रू असेंबली एंड फिनिशिंग। असेंबली एंड फिनिशिंग। ए लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट्स टेबल एंड चेयर विच मस्ट बी प्रोसेस्ड थ्रू असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। असेंबली हैज 60 आवर्स अवेलेबल पर वीक। मैक्सिमम आवर्स 60 असेंबली एंड फिनिशिंग कैन हैंडल 48 आवर्स। मैन्युफैक्चर ऑफ वन टेबल रिक्वायर्स 4 आवर्स इन असेंबली। मैन्युफैक्चर ऑफ वन टेबल रिक्वायर्स 4 आवर्स इन असेंबली, 2 आवर्स इन फिनिशिंग। ईच चेयर रिक्वायर्स 2 आवर्स इन असेंबली, 2 आवर्स इन असेंबली एंड 4 आवर्स इन फिनिशिंग। एंड द प्रॉफिट इज 80 एंड 60। प्रॉफिट इज 80 एंड 60। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, ये एज्यूम करो x1 x2, इट मीन्स 80 x1 60 x2 सब्जेक्ट टू 4x1 2x2 लेस देन इक्वल टू 60 एंड 2x1 + 4x2 लेस देन इक्वल टू 48। x1 x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। All right, friends. Now you see, it means your maximized profit. Profit is 80 on X1, 60 on X2. 80 on X1 and 60 on X2. 80 on X1, 60 on X2. Okay. Subject to 4, 2, but maximum 60. It means 4X1, 2X2 less than equal to 60. And 2 and 4, 48. 2x1 plus 4x2 less than equal to 48, x1, x2 are greater than equal to 0. कोई भी बेसिक वेरिएबल आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी बेसिक वेरिएबल अपना नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके लिए अपन क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। सही है, सुनो, टी फॉर X1 and this is your X2 and maximum hours आपका, this is your tabular form करके ना friends। सही है, सुनो, this is your question number 2 हम लोग कर रहे हैं, page number 13.4 and this। सही है, सुनो friends, अब अपन इनको क्या करेंगे, and this is now your solution कर लेंगे इनका। सही है, सुनो, ये इस वाले part को हम बोलते हैं formulation। तो उन्होंने क्या पूछा है अपने से, पहला answer, फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इक्वेशंस। इट मीन दिस विल बी योर आंसर नंबर 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। आप इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट ग्राफिकली। इट मीन्स दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। इट मीन्स 4x1 + 2x2 60। 4x1 plus 2x2 equal to 60. This is your first equation. And 2x1 plus 4x2 equal to 48. Then x1 equal to 0, x2 equal to 30. x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 15। हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, अगर x1 इक्वल टू 0 है तो 60 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, 30। x2 0 है तो 60 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, 15। नाउ 2x1, अब आप बताइए, राइट, x1
ए जीरो, तो एक्स टू आपका क्या हो जाएगा 12, 48 डिवाइडेड बाई 4, और एक्स टू जीरो है तो एक्स वन अपना क्या हो जाएगा इज 24। सही आंसर होगा, परफेक्टली क्लियर होना ये। अब आप आ जाइए ग्राफ, ग्राफ भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है, आपको ग्राफ बना के दिया है पेज नंबर 13.6 पर, आपको ग्राफ भी बना के दिया है, आप प्रॉपरली बना लीजिए। मैंने ग्राफ बना के दिया, इट मीन्स 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30। सही है, ये आपको क्लियर हुआ। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स वन 20, इसको ले लीजिए 22, 24, 26, 28, 30। सही है, सुनो, एक्स वन इक्वल टू 0, एक्स टू इक्वल टू 30, ये आपका एक्स टू इक्वल टू 30, और एक्स टू इक्वल टू 0, एक्स वन इक्वल टू 15, एक्स वन इक्वल टू 15, इट मीन्स ये आपका हो गया पहला, ये आपका कौन सा हो गया 4x1 + 2x2 = 16। सही आंसर होगा। देन सेकेंड आपको बोल रहा है x1 0, x2 = 12, x2 = 12 और x2 = 0, x1 = 24, ये आपका हो गया 24। सही आंसर होगा, परफेक्टली क्लियर हो ना, ये आपकी इक्वेशन हो गई 2x1 + 4x2 = 48। अब अगर आप देखेंगे तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये क्या हो जाएगा आपका 0, 0, ये आपका क्या हो जाएगा 0 and 12। ओके, ये आपका आ रहा है 12 and 6, ये आपका आ रहा है 12 and 6, और ये आपका आ रहा है 15 and 0। इट मीन्स आपका x1 + x2 = total profit। A, B, C, D. It means 0 + 0. Second is 15, 0. Third, 12, 6. Then 0, 12. What is your profit? The profit is 80 and 60. 80, 80. All right, 80, 80, 80, 60, 60, 60 and 60। सही आंसर फ्रेंड्स। और सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट पार्ट है कि सॉल्यूशन आपको दे रखा है, तो यू कैन वेरीफाई योर
आंसर 18 into 0, 16 into 0 इज 0, 15 into 80, 0 into 60 इज 1200, 12 into 80, 960 + 360 इज 1320 और 720। तो आपका जो मैक्स प्रॉफिट आएगा, वो कहाँ पे आएगा, 1320। इसका मतलब कंपनी शुड प्रोड्यूस X1 12 यूनिट्स एंड X2 6 यूनिट्स। अगर कंपनी 12 यूनिट्स ऑफ X1, 12 यूनिट्स ऑफ X1, 6 यूनिट्स ऑफ X2 बनाती है तो कंपनी को क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। यू कैन वेरीफाई द आंसर ऑल्सो, राइट। अगर आपको ऐसा लगेगा यू कैन वेरीफाई, थोड़ा ऐसा लग रहा है करके ना, बट मैंने आपको सब ग्राफ वगैरह एकदम प्रॉपरली बना के दिया है, आपको जरा एक्सप्लेनेशन को बराबर समझना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मजा आया, तो आप लाइक द वीडियो, राइट, शेयर विद द फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, राइट, जो यूट्यूबर बोलते हैं, मैं भी वही बोल देता हूँ, कल कहता तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरे बारे में आइला लिखो, जैसे मोम की मोम होती है नानी, लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी लिखो, राइट, तो आपको मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। इसका मतलब सी, सी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 12 यूनिट्स एंड ये, इसका मतलब व्हाट इज द फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर, इसका मतलब प्रोडक्ट्स टेबल एंड चेयर्स है ना फ्रेंड्स अपना, जैसा आप लोग टेबल एंड चेयर X1 X2 12 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स इंटू 80 60 960 360 एंड दिस कम्स टू 1320। This comes to 1320, 960, 360 total. This is table and this is chair. सही है सुनो। और अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। This is very वेरीफिकेशन, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफिकेशन भी आप कर सकते हैं। इट मीन्स हाउ टू वेरीफाई द आंसर फ्रेंड, आप जरा देखिए आपका इक्वेशन क्या था, 4x1 2x2 इक्वल टू 60 एंड 2x1 4x2 equal to 48, equation 1, equation 2, equation 3. It means say yes or no. Suppose you multiply by this by मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 यू मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स 8x1 प्लस 8x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 120। Is this get cancelled? Second minus 3, 4 and 4, it means 6x1 equal to 72, 120 minus 48, so x1 equal to 12, okay, and then 4 into
12, then 4 into 12 plus 4 into 12 plus 2x2 equal to 60. So 2x2 equal to 2x2 equal to 2x2 equal to 12 and x2 equal to 6. x2 equal to 6 and x1 equal to 12. वही आ रहा है, x1 equal to 12, x2 equal to 6. ये आपका यहाँ पे सही है सुनो, प्रोडक्ट x1 इज 12, x2 इज 6. अगर आप ये प्रोड्यूस करते हो तो यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर. आपको ग्राफ के साथ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलिए आप. आपको ग्राफ के साथ एकदम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बोलिए. परफेक्ट, ओके. अब मैं आपको थ्री रिसोर्स के साथ आपको कराता हूँ. मिनिमाइजेशन का भी एक सम कवर अप कर लेता हूँ. राइट, मिनिमाइज का दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13.7, 13.8. ए स्पोर्ट्स क्लब इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर प्लेयर्स by feeding them certain minimum amount of vitamins, say A, B and C. कौन कौन से vitamins हैं? A, B and C. In addition to their normal diet, in view of this, two types of products X and Y are purchased from the market. The contents of vitamin constitute per unit are shown in the following table. A, B, C, X and Y, there are two products. Minimum requirement है आपका minimum. And the cost आपको दे रखा है 20 and 40. Okay. Formulate the linear programming problem for the above and minimize the total cost and solve the problem by using graphic. और आपको आंसर भी निकाल के इन्होंने दे रखा. मैंने आपको क्या बोला, स्टेप नंबर 1 ये टेबुलर फॉर्म. Products X and Y, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Okay, and this is a minimum requirement. A sports club is engaged in the development of their players by feeding them certain minimum amount of vitamins, say A, B and C, in addition to their normal diet, in view of the two types of product X and Y are purchased from the market. The contents of the vitamin constitute per unit are shown in the following table. Vitamin A, B, C, X के लिए 36, 3 and 20, 36, 3 and 20, 6, 12 and 10, 6, 12 and 10. Minimum requirement is 108, 36 and 100. And the cost is 20 and 40. अगर आप टेबुलर फॉर्म में पहले पुट कर लोगे इन्फॉर्मेशन का, कॉस्टिंग के टाइम आपको बहुत मजा आएगा. राइट, टेबुलर फॉर्म में अगर आपने पुट कर लिया इन्फॉर्मेशन को, अगर आपने टेबुलर फॉर्म में पुट कर लिया आपको मजा आ जाएगा. राइट, इट मींस एक्स एंड वाई, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, 108, 36, 100. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड कॉस्ट आपका. इट मींस योर
मिनिमाइज जेड इक्वल टू 20x1 प्लस 40x2 सब्जेक्ट टू 30x1 प्लस 6x2 इज ग्रेटर देन All right, then 3x1 plus 12x2 greater than equal to 36 and 20x1 plus 10x2 greater than equal to 100. And your x1 and x2 and x3 are greater than equal to 0. Ab zara dekhiye. 13.7 पे मैंने सॉल्यूशन आपको दे रखा है, पेज नंबर 13.7। देखिए फ्रेंड्स, मिनिमाइज जेड इक्वल टू 20x1 प्लस 40x2 सब्जेक्ट टू 36x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 108, देन 3x1 प्लस 12x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 36, देन 20x1 10x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, x1 x2 x3 आर नॉन नेगेटिव। सही आंसर नोट, ठीक है। ये आपके पास 3 रिसोर्सेस का मैं आपको करा दे रहा हूँ, और दिस इज ए मिनिमाइजेशन। अपने को क्या करना है, डिसीजन मेकिंग, जब आपको बताऊंगा लिमिटिंग फैक्टर के, जब अपन क्वेश्चन करेंगे लिमिटिंग फैक्टर में अपने पास क्या रहेगा फ्रेंड, जब अपने को लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन करने हैं तब अपने पास क्या रहेगा, मेक और बाय डिसीजन। बराबर, मेक और बाय में अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मीन्स इस तरह से ये रिसोर्स को यूज करना है टू गेट द मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो एक उसका तरीका है ग्राफिकल, दूसरा आपका है सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स आपके में नहीं दे रखा, लेकिन एक सम में आपका मैक्सिमाइजेशन का जरूर आपको कराऊंगा, क्योंकि तो उसके थ्रू फिर आपको थोड़ा एक आइडिया सिंप्लेक्स के बारे में आ जाएगा। राइट, आप वो जरूर करके आप जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके पास 3 इक्वेशन हो गए हैं। पहले आप जरा देखिए, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 36x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 108। इट मींस 36x1 प्लस 6x2 equal to 108. This is a one equation. Second, 3x1 12x2 equal to 36. This is second equation. This is first equation. x1 is 0, x2 is 108 divided by 18. x2 is 0, x1 is 3. x1 is 0, x2 is 3. x2 is 0, x1 is 12. Say yes or no, friends. First, आपका क्या हो जाएगा, 36x1 plus 6x2 greater than equal to 108, 3x1 plus 12x2, 36. x1 is 0, x2 equal to 18, and x2 is 0, x1 equal to 3. x1 is 0, x2 equal to 3, and x2 is 0, x1 equal to 12. Say yes or no. x2 is 3, x1 is 12, and x2 is 18, and x1 is 3. Third aapka equation tha friends, is 20x1 plus 10x2 equal to 100. x1 is 0, x2 is 10, x2 is 0, and x1 is 5. कैसे करेंगे, सिंपल है ना। x1 को 0 लिया तो 100 डिवाइडेड बाय 10 आपका क्या हो जाएगा, 10। x2 को 0 लिया तो x1 आपका क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 20।
अब आपके पास क्या क्या हो गया, एक आपके पास ये सिचुएशन है, इसको ग्राफ में डालो, ये ग्राफ में डालो और ये ग्राफ में डालो, वो तो ग्राफ आपके पास अवेलेबल है, ग्राफ मैंने आपको बना के दिया हुआ है, ग्राफ मैंने आपको बना के दिया हुआ है। तो अब ग्राफ में कैसे डालेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स ये एक्स वन ये एक्स टू, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। ये आपका एक्स टू आपका। ओके, अब पहला आप देख लीजिए, पहला आपका क्या था, एक्स वन इज 0, एक्स टू इज 18, एक्स टू इज 0, एक्स वन इज 3। एक्स वन इज 3, एक्स वन इज 3, एक्स वन इज 3 एंड एक्स टू इज 18। देन एक्स एक्स वन इज 0, एक्स टू इज 18 और एक्स टू इज 0, एक्स वन इज 3, इट मीन्स 36 एक्स वन 6x2 108, 3x1 12x2 36, x1 is 0, x2 is 3, x2 is 3, x2 is 3 and x1 is 12, एक्स वन इज 12। ये आपका हो गया 3x1 12x2 36। एक्स वन इज 0, एक्स टू इज 10 10 और एक्स वन इज 5। ये आपका हो गया 20x1 10 x2 = 100। अब आपके पास फिजिबल रीजन आपका क्या हुआ, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए आपका फिजिबल रीजन ये आउटसाइड वाला आपका क्या रहेगा, इज ए फिजिबल रीजन। अगर ये मैक्सिमाइजेशन का रहता तो ये वाला रहता था, लेकिन ये मिनिमाइज का है, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, इज ए रीजन, ये आपका। ठीक है, अब आप आ जाइए, क्या क्या आपके पास एरिया है, इट मीन्स ए 12 एंड 0, 12 एंड 0। यहाँ पे बी 4 एंड 2, ये 4 एंड 2, सी 4 एंड 2, 2 एंड 6, 2 एंड 6, ये आपका 6 और ये आपका 2, 2 एंड 6 एंड 0 एंड 18, 0 एंड 18, 2 एंड 6, ये आपका डी 4 एंड 2 एंड दिस, सही है, सुनो ये आपके आगे एरियाज, सही है, सुनो। अब आप निकाल लीजिए अपने पॉइंट्स, ए बी सी एंड डी,
इसमें जो आउटसाइड रहता है उसको हम लिखते हैं, अगर इनसाइड लेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, तो कॉस्ट जीरो हो जाएगा, आपने को मिनिमम कॉस्ट लेना है। इट मीन्स ये आपका एक्स वन प्लस एक्स टू और ये आपका टोटल। Then 4 and 2 then 2 and 6 then 0 and 1. What is your cost? Cost is 20 and 40. Say so. It means say yes or no. First is a 12 and 0, 12 x1, 0 x2. Second is 4 and 2, 4 and 2. Third is 2 and 6, 2 and 6. Fourth is 0 and 18, 0 and 18. What is your cost? 20, 20, 20, 20, 40, 40, 40, 40. It means 240. 80 and 80, 160, 40, 40 to 40, 280 and 720. The least cost is this one. The least cost is 160. The least cost is 160. Iska matlab, what is your final answer? Your final answer will be x1 and x2 4 units, 2 units, and your cost per unit is 20 and 20 and 40. It means 80 and 80, and this comes to 160. ये आपका हो गया मिनिमाइज से रिलेटेड, जब अपन डिस्कस करेंगे लिमिटिंग फैक्टर में मेक एंड बाय। अब ये क्यों मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ, ताकि जब मैं कराऊं और आपको ये बोलूं ये ग्राफ से ऐसे 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 हो गया, तो आपको इंस्टीट्यूट ने अलग से ये ऐसा टॉपिक कोई नहीं दे रखा है, बराबर, अलग से कोई टॉपिक आपको नहीं दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, उनका एप्लीकेशन बता दिया, लेकिन एप्लीकेशन के लिए आपको मेन टॉपिक तो आना चाहिए ना। तो ये मैंने कवर किया है, जो मैं आपको 74 आवर्स का जो फुल कोर्स बता रहा हूँ ना, 74 आवर्स का, उस पर प्रैक्टिकल भर भर के कवर किया। लेकिन फिर भी खरीदने से पहले आप मेरे से सॉफ्ट कॉपी मांगो, आप मेरे से सॉफ्ट कॉपी मांगो, आप उसमें देखो कि मैंने क्या कवर किया है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, और आईसीआई का जो मॉड्यूल है वो भी मैंने अपने फॉर्मेट में सॉल्व किया है। तीनों का जो सॉफ्ट कॉपी है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको उनके वीडियो चाहिए, टू व्यूज, टू मंथ्स, द कॉस्ट इज 1999, द कॉस्ट इज 1999, ओके। अब अपन फ्रेंड्स ले लेते हैं, नेक्स्ट इज ए सिंप्लेक्स मेथड, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं फ्रेंड्स इज ए सिंप्लेक्स मेथड, ओके।